नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज सेशन। तो देखिए, बड़ी खबर अब हैदराबाद से आ रही है। हैदराबाद में ओवैसी हो गए हैं नाराज। वजह क्या है? वजह ये है कि 17 सितंबर को केंद्र सरकार ने हैदराबाद मुक्ति दिवस यानी कि 17 सितंबर 1948 में जो हैदराबाद निजाम से देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुक्त करवाया था फौज के उससे, तो अब यहाँ पे उसके मुक्ति का देखिए हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा 17 सितंबर को पूरे हैदराबाद में। अब यहाँ पे देखिए कि इस पे राजनीति काफी शुरू हो गई, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो अमित शाह हैं वो उसका उद्घाटन करेंगे। जो पूरा ये एक पूरा एक कह सकते हैं हम कि ये पूरा प्रकरण जो चलेगा, जो पूरा प्रोग्राम है वो पूरा एक साल चलेगा। और यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि जो अमित शाह हैं, जो गृह मंत्री है केंद्र सरकार में, तो वो इसका उद्घाटन करेंगे और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हिंदू जो हैं वो इसमें शामिल होंगे और ओवैसी को डायरेक्ट चुनौती देने जैसा माना जा रहा है। अब इसमें देखिए ओवैसी बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो खराब हो जाएगा, या एकता भाईचारा एकता की बातें कर रहे हैं, लेकिन वही ओवैसी जो है वो पूरी अपनी रैलियों में जहर उगलते रहते हैं जब उनको एकता नहीं दिखती है। लेकिन हाँ, अगर हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा जिससे पता चलेगा कि देखिए जो क्रूर निजाम था उसके चंगुल से देखिए हैदराबाद को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखिए छुड़ाया था, तो उसमें देखिए उनको गंगा जमुना तहजीब नजर आ रही है, हिंदू मुस्लिम एकता नजर आ रही है। तो ये देखिए दोहरा मापदंड जो है, दो मुहे सांप जो बोलते हैं, वो ओवैसी के चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अमित शाह ने साफ साफ बोल दिया कि यहाँ पे जो हैदराबाद मुक्ति दिवस है 17 सितंबर से मनाना शुरू होगा, अगले साल तक मनाया जाएगा यहाँ पे, और लगातार देखिए इसमें रैलियां होंगी, कार्यक्रम होंगे, बहुत कुछ होगा केंद्र सरकार की तरफ से। अब देखना यह बाकी है कि यहाँ पे अमित शाह आते हैं, क्या करते हैं, क्या कुछ करते हैं, और ओवैसी जो है वो इसको कैसे टैकल करते हैं। बहरहाल देखिए कि हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर से शुरू हो जाएगा, यहाँ पे उद्घाटन जो होगा वो अमित शाह की तरफ से होगा, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को एकजुट करने की कवायद करेगी बीजेपी सरकार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ सेशन।